तो दोस्तों आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही खूबसूरत सी नई नर्सरी। तो बिल्कुल यहां पर जो वैरायटी आई है बिल्कुल लेटेस्ट आई है, और बहुत दिन हो गए मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो नर्सरी के ऊपर शेयर नहीं की। बहुत दिन से मैं आपके साथ अपने गार्डन की ही वीडियो शेयर कर रहा था और केयर की वीडियो शेयर कर रहा था। तो बिल्कुल विंटर के अकॉर्डिंग नई वैरायटी आई है, परमानेंट प्लांट्स की वैरायटी है। इस नर्सरी पर आपको हर तरह के पॉट्स, हर तरह के प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स, रोज़ की वैरायटी और भी सभी तरह की इंडोर आउटडोर सभी तरह की जो वैरायटी है वो कॉमन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं दोस्तों, इस नर्सरी का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी एड्रेस है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपके साथ सकुलेंट्स के रेट शेयर किए थे और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की थी वो वीडियो। तो आज मैं यहाँ पर जो कलकत्ता से बिल्कुल न्यू वैरायटी आई है, बहुत कलकत्ता की बिल्कुल न्यू वैरायटी है और उसके अंदर रोज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है। सबसे पहले आपके साथ मैं रोज़ की वैरायटी शेयर करता हूँ और उसके जो रेट हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि गुलाब एक परमानेंट प्लांट है और सालों साल एक बार लगाने के बाद बनता भी रहता है और चला भी रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर गुलाब के अंदर आपको ग्राफ्टेड प्लांट जो मिल जाएंगे, इंग्लिश रोज़ की सारी वैरायटी है और बहुत ही रीजनेबल रेट पर मुझे लगी। बहुत से ऐसे कलर्स हैं जो कॉमन आपको नर्सरीज पर देखने को नहीं मिलेंगे और बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। मैं आपको एक प्लांट निकाल कर भी दिखाता हूँ इसके अंदर। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो रोज़ हैं ये बहुत हेल्दी रोज़ है और इनमें जो न्यू शूट्स हैं वो कंटिन्यू निकल रही हैं। तो ये सभी के सभी आपको या तो इस तरह से छोटे जो मिट्टी के पॉट हैं इसके अंदर लगे हुए मिलेंगे, या फिर आपको जो प्लास्टिक के जो ये देखिए ये पॉलीथीन आते हैं, ये थैली आती है छोटी छोटी कट्टे की, जो इसके अंदर लगे हुए मिलेंगे और बहुत से आपको कलर्स इसमें मिलेंगे। और इसी के अंदर आपको ये देखिए ये मिनिएचर बटन रोज की वैरायटी भी मिलेगी। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर येलो मल्टी कलर्स के अंदर जो वैरायटी है ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो वैरायटी का यहाँ पर रेट है ये देखिए 80 से लेकर 100 रुपये तक है। तो डिपेंड करता है साइज़ पर और उसके जो पॉट सिलेक्शन के ऊपर। और बहुत से मेरे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि आवरा का डावरा रोज़ आपके वहाँ पर मिल जाएगा नहीं, जिसे टाइगर रोज़ के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो ये वाला रोज़ भी इनके पास मिल जाएगा और इसमें आपको जो कलर के पैटर्न है वो भी डिफरेंट मिल जाएगा। तो ये भी आप यहाँ से परचेज़ करते हैं, इसका भी जो रेट है वो लगभग 100 रुपये के आसपास रेट है इसका। और इसी के साथ साथ देखिए, जो मेरे दोस्त स्टैंडर्ड रोज़ के शौकीन है, जो स्टैंडर्ड रोज़ लगाना चाहते हैं, हालाँकि ये बहुत ज़्यादा अभी फेमस रोज़ नहीं है इंडिया के अंदर, तो लेकिन ये लगा हुआ जो है बहुत सुंदर दिखता है। इसके ऊपर जो ग्राफ्ट है बहुत लंबी ब्रांच पर कराया जाता है और उसके ऊपर ये एक पेड़ की लुक देता है, एक ट्री की लुक दे देता है। तो इस तरह के रोज़ की जो वैरायटी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जरबेरा के प्लांट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। जरबेरा भी एक परमानेंट प्लांट है और इसमें बहुत से कलर्स ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बहुत से कलर्स इसके अंदर जो बिल्कुल नए आए हैं अभी प्लांट। और कुछ आपको अभी कंडीशन फूलों की सही नहीं लग रही होगी क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, थोड़े से फ्लावर्स जो हैं इस समय मुरझाए हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर ये फिर से सनलाइट मिलने पर जो है हरे भरे हो जाएंगे। तो जरबेरा के प्लांट का जो रेट है दोस्तों यहाँ पर ये है 150 रुपीज़। और बहुत से जैसे मैंने बताया आपको जो कलर्स ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके साथ जो अगला प्लांट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये बहुत सुंदर एक प्लांट है, ये है अजेलिया का प्लांट। अजेलिया का प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है और सेमी शेडेड एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती चलने के लिए। तो अजेलिया के अंदर भी आपको जो यहाँ पर कलर्स हैं वो रेड और पिंक कलर जो मुझे अभी खिला हुआ नज़र आ रहा है ये कॉमन कलर्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो प्लांट है ये एक पैकेट के अंदर लगे हुए प्लांट्स हैं और इनका जो यहाँ पर कॉस्ट है, प्राइस है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 150 रुपीज़ के अंदर है दोस्तों। अगर आपको अजेलिया के प्लांट की केयर की वीडियो चाहिए, इसके पॉटिंग मिक्स की वीडियो चाहिए, तो वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड है, उसको भी आप सर्च करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर एक ये प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्लांट आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ये देखिए, ये एक बेल की वैरायटी है, ये जूही बेल है दोस्तों। जूही बेल बहुत सुंदर लगती है पॉट के अंदर लगी हुई और बहुत ज़्यादा बुशी वैरायटी है, ये बुश की तरह एक बन जाती है पॉट के अंदर लगी हुई। ये एक दोस्तों ऐसी वैरायटी है जो बिल्कुल इसके जो फूलों के अंदर है हल्की हल्की सी खुशबू रहती है और सारा साल आपके गार्डन में जो इसके फूल जो हैं वो खिलते रहेंगे। ये जो दोस्तों वैरायटी है ये गुच्छों के अंदर फूल देती है। और बात करें अगर इसके प्राइस की, तो ये जो प्लांट है ये आपको एक पैकेट के अंदर लगा हुआ प्लांट मिलेगा और बहुत से प्लांट इसके अंदर इनके पास अवेलेबल हैं। देखिए अभी विंटर का टाइम है, हालांकि ये समर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, अच्छे से ग्रो करती है,
तो अभी आप इसको जाकर अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका जो प्राइस है यहाँ पर ये 50 रुपीज़ है, बहुत रीजनेबल रेट के अंदर ये वैरायटी है जूही बेल की यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये है, देखिए एक फ्रूटिंग प्लांट, ये लेमन का प्लांट है। लेमन के अंदर इनके पास जो बहुत अच्छी है कलकत्ते की जो वैरायटी आई है वो है ये, देखिए ये 12 मासी नींबू है। तो ये आप कंटेनर के अंदर ग्रो कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, अपने टेरेस गार्डन में कंटेनर के अंदर फुल सन के अंदर इस प्लांट को ग्रो कीजिए। ये सभी के सभी एयर लेयरिंग या कटिंग से ग्रो किए हुए जो प्लांट्स हैं ये नॉर्मली आपको नर्सरीज पर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा साल जो नींबू देने वाला प्लांट है पूरा साल इस पर आपको जो लेमन है वो देखने को मिलेंगे। और ये मुझे पर्सनली यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, इसकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ठीक है और मल्टीपल ब्रांचेस इसके अंदर जो है वो निकल रही हैं। हालांकि अभी इन्होंने ये पूरे टाई किए हुए हैं प्लांट्स, अभी खोले नहीं हैं क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है यहाँ पर। और बहुत से प्लांट्स इस तरह के लेमन के इनके पास आए हैं और ये देखिए इनके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो गुच्छे के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सभी के सभी बड़े बड़े प्लांट हैं, मैच्योर प्लांट हैं, जाते सार ही आपके पास इनकी जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो यहाँ पर प्राइस है ये बड़े बड़े प्लांट्स का लगभग 2 से 3 फीट इन प्लांट्स की जो हाइट है ये 150 रुपीज़ के अंदर है, 150 रुपये के अंदर। तो चलिए ये तो दोस्तों हुई आपके साथ कुछ आउटडोर प्लांट्स की बात, अब आपके साथ कुछ इनडोर प्लांट्स की और सेमी शेड प्लांट्स की बात करता हूँ। तो इनडोर और सेमी शेड के अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी, बहुत रीजनेबल रेट्स पर मिल जाएगी। इंडोर के अंदर यहाँ पर आपको बहुत से विक्टोरिया के प्लांट, बहुत से क्रोटॉन्स के प्लांट्स जो लगभग 150-200 रुपये इस रेंज के अंदर जो है वो स्टार्टिंग प्राइस इनका आ जाएगा। और छोटे प्लांट्स जो हैं वो 70-80-100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैच्योर प्लांट का बड़े प्लांट्स के जो प्राइस हैं वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे। और इसी तरह से आपको जो क्रिसमस ट्री है, एरोकेरिया के कुछ प्लांट्स जो कि डेकोरेशन के लिए बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो ये भी आपको छोटे से बड़े प्लांट अलग अलग रेट पर, अलग अलग प्राइस पर जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग इनके जो छोटे प्लांट्स के रेट हैं वो 70-80 रुपये से स्टार्ट होकर 200-250-300 रुपये तक की रेंज के अंदर बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर। और चलते चलते देखिए मेरी एक और नज़र पड़ी एक और जो फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, जैसे मैंने आपके साथ अजेलिया का प्लांट शेयर किया उसी के अंदर ये देखिए ये कैमेलिया की वैरायटी है, कैमेलिया का प्लांट है, ये भी एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत बढ़िया सी फ्लावरिंग करता है। हालांकि इसके ऊपर ये देखिए अभी कोई फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बर्ड्स जो हैं वो सभी के ऊपर बनी हुई हैं और कुछ दिन में ये बर्ड्स जो हैं वो खिलने लगेंगी। और ये जो प्लांट्स हैं दोस्तों ये बहुत ही मैच्योर प्लांट हैं, इनकी आप ब्रांचेस देख सकते हैं कितनी मैच्योर हैं, स्टेम्स कितनी मैच्योर हैं और बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े पैकेट के अंदर लगे हुए जो प्लांट्स हैं कैमेलिया के, और हेल्दी प्लांट्स हैं। इनको ज़रूर आप घर में जगह दीजिए, लगाइए, बहुत सुंदर ये फ्लावरिंग करते हैं। इसका भी जो यहाँ पर प्राइस है दोस्तों ये 150 रुपीज़ है, 150 रुपये के अंदर, तो बहुत अच्छी डील है। कॉमन हर नर्सरी पर आपको इस तरह की वैरायटी, इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। और बात करें फिर कुछ एक और प्लांट्स की, तो इसी तरह से आपको हाइबिस्कस के, बोगनविलिया के यहाँ पर जो रेगुलर जो रूटीन में है वो प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ इंडोर के अंदर क्रोटॉन की सभी तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो भी देखने को मिलेंगी। कि जो क्रोटॉन की नॉर्मल वाली जो बेंगलोरी क्रोटॉन है दोस्तों वो तो मैंने आपको बताया थोड़ा महंगे रेट पर है, लेकिन आपको इस तरह से जो दूसरी जो क्रोटॉन की वैरायटीज़ हैं ये लगभग 40 रुपीज़ पर यहाँ से स्टार्ट आपको मिल जाएंगी, और अच्छे हेल्दी बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं 40 रुपये से आपको जो स्टार्ट होकर मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये क्रोटॉन के अंदर देखिए ये बजरी क्रोटॉन की वैरायटी है, ये भी लगभग 40 रुपये से जो स्टार्ट है वैरायटी, और थोड़ा बहुत जो रेट में फ्लक्चुएशन आएगी वो प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है, लेकिन जो ये आपको नॉर्मल प्लांट दिखा रहा हूँ ये सब 40 रुपीज़ के अंदर जो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अरेलिया के अंदर जो इनडोर के शौकीन हैं, अरेलिया के अंदर भी यहाँ पर बहुत हेल्दी प्लांट्स आए हैं, बिल्कुल नए प्लांट्स हैं, ये भी जो प्लांट्स हैं लगभग 40 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन साइज़ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बड़े साइज़ का जो प्लांट है वो कॉस्टली मिल सकता है, 100-150 रुपये में मिल सकता है, छोटे साइज़ का प्लांट है जो वो सस्ते में देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर देखिए क्रिसमस कैक्टस के अंदर भी जो आई है वैरायटी आई है, नई वैरायटी आई है, लगभग 10-12 प्लांट जो मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, 10-12 प्लांट जो हैं वो नए आए हैं। तो हालांकि मैंने इसका जो रेट है वो कंफर्म नहीं किया, तो आप कॉल करके इसका भी जो रेट है वो कंफर्म कर सकते हैं। और साथ के साथ ही आपको जो सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट्स की जो ड्रेसिना की जो वैरायटी है वो भी यहाँ पर 40-50 रुपये से लगभग जो स्टार्टिंग रेट है वो आपको मिल जाएंगे। तो ड्रेसिना की भी बहुत सी वैरायटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए दोस्तों इनकी जो प्रॉपर इंडोर के लिए जो स्पेस बना हुआ है, इस तरह से शेडिड एरिया है, शेडिड एरिया के अंदर सभी के सभी इन्होंने इंडोर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए हुए हैं, जिसके अंदर विक्टोरिया प्लांट भी आपको देखने को नज़र आएगा,
और डाइफन बेकिया के प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। डाइफन बेकिया के बड़े बड़े और छोटे छोटे प्लांट्स, सभी तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। और एग्लोनीमा की भी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बड़े पोट के अंदर आपको लगे हुए प्लांट्स जो है एग्लोनीमा के अंदर नज़र आएंगे। इंडोर के अंदर बहुत सी वैरायटी है, और देखिए बड़े पोट के अंदर लगे हुए ये सभी के सभी प्लांट है, और बुशी प्लांट है। जैसे मेरे पास आप मैच्योर प्लांट देखते हो, इसी तरह से देखिए बिल्कुल बुशी प्लांट है, मैच्योर प्लांट है। और मनी प्लांट के अंदर भी आपको जो बड़े लीव्स वाली वैरायटी है वो भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। और अगर आप हैंगिंग बास्केट के शौकीन हैं दोस्तों, तो हैंगिंग बास्केट के अंदर भी यहाँ पर बहुत सी नई वैरायटीज़ आई हैं, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और कोशिश करूँगा मैं इसके एक पार्ट टू के अंदर अलग से एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो रही है, तो उस वीडियो के अंदर आपके साथ जो हैंगिंग बास्केट की वैरायटी है उसको शेयर करूँगा। और ये यहाँ के ऑनर हैं शहजाद खान, तो यहाँ पर ये मिलेंगे कॉमन आपको देखने को। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा प्लांट यहाँ पर जो है अपने लिए अच्छा लगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।